प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है? आप सभी लोगों के प्यार और प्रार्थनाओं के वजह से ये प्रोग्राम वगैरह चलता रहता है। हम चाहते कि आप और ज्यादा प्रार्थना में रहें, अपने लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। स्वागत करता हूँ। हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करें। उस महान परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। उस राजाओं के राजा की महिमा गाएं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आपके दया और आपके प्रेम के लिए, जो लोग भी ऑनलाइन आते हैं उन पर, उनके परिवारों पर तेरी दया हो, हमारे देश पर तेरी दया हो प्रभु, तेरी आशीष बनी रहे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में इस दुआ को आमीन। करेंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। तुम्हें खबर का आ गया करीब, देखो दुल्हन सजी के नहीं।
आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। हमारे बीच में उपेंद्र पाल हैं, वह प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपने अपने बैठने का मौका दिया पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते पितावर इस समृति के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक बार फिर से बैठने का मौका दिया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, जितने भी लोग ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, आप उन सब पर आशीषित करें पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, और जो लोग बाद में देखते पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी आशीषित करें पितावर प्यारे प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पितावर प्यारे प्रभु जी, छोटी सी प्रार्थना उठाकर परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की, मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब लोग ठीक हैं। थैंक यू योगेश भाई, आपने जो गीत गाया था उसे हमने सुबह गाने की कोशिश की थी लेकिन गा नहीं पाए थे। जो आप गाते हो फिजी में, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी खाकर मैं भूखा न रहूं, भीख में प्यासा न रहूं।
बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जी, ये बात सच्चाई है, यीशु के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। यीशु के बगैर जिंदगी अधूरी है। इसमें कोई भी दोराई की बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह है तो वो जीरो भी हीरो हो जाता है। जिसकी कोई पहचान नहीं है वो भी पहचानवान बन जाता है। सुबह हम परमेश्वर के कलाम की ओर देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या है? यीशु ने अपने चेलों से पूछा, Jesus said to his disciples, तुम मुझे क्या समझते हो? What do you think about me? मेरे अजीजों, कई लोगों ने कहा, तू बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का रूप में आया है, तू एलिया के रूप में आया है, कुछ लोगों ने कहा तू मसीहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा तू जीवित परमेश्वर की पहचान है, Image of the living God. तू परमेश्वर की पहचान है। You are the image of God. मेरे अजीजों, My dear friends. आज इस समय हम परमेश्वर के जीवन शैली के बारे में देखते हैं। At this moment, let us see the life of Jesus. बेटा बैठ जाओगे आप? बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 4 के वचन 34 के अंदर। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली क्या है? What is the life of Jesus? किस पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन आधारित था? Now on whom was Jesus' life dependent or according what was it? सुबह के समय हमने देखा, the morning session we saw, बहुत प्रकार से हमने यीशु की बातों को देखा, we learned the things about many ways. और अभी हम इस बात को देखेंगे, at this moment we will see प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली क्या थी? What was the life structure? हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई केंद्रित होता है। Now somebody is there, a particular person in कोई ना कोई किसी ना किसी की कॉपी करता रहता है। Some people keep copying about somebody, everybody. मैं उसकी तरह बन जाऊं। I'll let me become like मैं इसकी तरह बन जाऊं। Let me become like them. मैं फलाने की तरह बन जाऊं। I want to become like him. लेकिन परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह की जिंदगी भी आधारित है। Jesus' life is also dependent. यहाँ अध्याय 4 के वचन 4 में 34 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, Jesus said to them, मेरा भेजने वाला है कि मेरे भेजना ये है कि अपने भेजने वालों की इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। Jesus said to them, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. जब यीशु मसीह When Jesus समरिया के उस गांव में गए was in the Samaria और जब यीशु मसीह थके हुए थे and when he was really उनके चेले भोजन लेने गए वहां पर समरी स्त्री आई और वो जीवन जल की बातें करते हैं और चेले आकर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपके लिए भोजन लाए हैं क्या आप भोजन कर सकते हैं क्या आप खाना खाएंगे लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा करके आप आए हो तब यीशु मसीह कहता है तब प्रभु का वचन कहता है वो कहता है कि मैंने भोजन कर लिया है भाई साहब आपने कौन सा भोजन कर लिया हम गए थे रोटी लेने के लिए आपको यहाँ पर रोटी किसने दिया वो कहता है मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरा करना ही मेरा भोजन है मेरे दोस्तों परमेश्वर का वचन क्या है यानी कि पिता परमेश्वर ने जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा था Which means the Heavenly Father for the work he sent Jesus on the earth. उसका पूरा करना ही उसका भोजन है Now fulfilling or doing the will of God is his food. वे मेवा के चक्कर में सेवा में नहीं आए थे They didn't came for the reward in the ministry. कुछ मिलेगा तो सेवा करेंगे We'll get something, then we will serve. कुछ दोगे तो सेवा करेंगे If you will give us something, then we will do the ministry. हम सेवा करना चाहते हैं आप बदले में क्या दोगे We want to serve. But what will you give to He give us? Never asked any kind of the things. उन्होंने कभी ऐसा कुछ He said, my desire is. उन्होंने कहा मेरी इच्छा है. Whatever fathers have the dear उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करना ही मेरा भोजन है My food is to do the will of my father, the one who sent me, which means प्रभु यीशु मसीह की इच्छा the will of Jesus, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही उसका भोजन है Now, fulfilling the desire of his father, आज हम किस
हम किसकी इच्छा को पूरा करते हैं? आज हम किसकी इच्छा को पूरा करने वाले हैं? यीशु मसीह की इच्छा है, Jesus desire is पिता की इच्छा को मैं पूरा करूं, पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं। जब वो गेत्समनी के अंदर गए, अब अगले दिन यानी कि उसका क्रूस पर लटकाया जाना है, उसे जेल में कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। अपने शिष्यों को लेकर गेत्समनी के पास जाकर वे अपने चेलों से कहते हैं, आओ मेरे साथ प्रार्थना कर ले। जब वो गेत्समनी के अंदर प्रार्थना करते समय यीशु मसीह एक बात कहते हैं, पिता परमेश्वर, हे पिता, मैं चाहता हूँ इस कटोरे को मेरे यहाँ से हटा दे। You take away this cup from me, in front of me. दूसरी बात कहता है, Second thing he says, मेरी इच्छा नहीं, not my will, मेरी इच्छा नहीं, not my will. मुझे मालूम है वो क्रूस पर लटकना कोई आसान बात नहीं है। I know that being crucified is not an easy task. मुझे मालूम है कि वो कांटों का मुठ जहरीला सर पर लगवाना कोई मजाक बात नहीं है। I know it is not a fun that having a poisonous thorny crown on your head. मुझे मालूम है वो मोटी मोटी किलो से मेरे हाथों में गाड़ दिया जाएगा और मुझे लटका दिया जाएगा। I know I will be pierced with those iron nails on the cross. और जो लोग मेरी जय जयकार करते हैं, मेरे पीछे आते थे, वो मेरा मजाक उड़ाते हुए गलियों में आएंगे। मुझे मालूम है वो दुख और मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन वो कहता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में पूरा। मरियम कहती है, मैं तेरी दासी हूँ, जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में पूरा। मेरे दोस्तों, पत्रस कहता है, मैं प्रभु के कार्यों के लिए हूँ। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। Run to the target. मुझे एक निशाना मिला हुआ है, I got a target. मैं उसे पूरा करना है, I got to complete जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ, जिसके लिए मैं चुना गया हूँ, उस कार्य को पूरा करने के लिए आया हूँ। आप word. और इस धरती पर आए हैं, if you are on this earth, आप और हम इस धरती पर हैं, we are on this हम किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हम किसके दर्शन को पूरा कर रहे हैं, किसी के जीवनों को तोड़ने में या किसी के घरों को बनाने में। मेरे अजीजों, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, परमेश्वर का राज्य वे बातों में नहीं है वरन सामर्थ में है, यानी कि वो सामर्थ में है। यहाँ प्रभु की इच्छा है, वो उसका केंद्रित है। मेरे पिता जो चाहते हैं उसे मैं करूं। Now, हालेलुया। यहाँ दूसरी बात में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 19 के अंदर देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वे करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, the son can do nothing of himself, but what he sees the father do, for whatever he does, the son also does in a like manner. मेरे दोस्तों, My dear friends, यदि बाप भूतनाथ हो, if the father is divorced, बेटा भगवान दास नहीं बन सकता। Then the son couldn't become a good angel or God. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Taking my point. हम चाहते हैं, we want, मैं अपनी मनमर्जी जी लूं, let me do according to, लेकिन myself, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा सेवक बन जाए। And my son needs to become a good मैं master. अपनी इच्छा अनुसार जी लूं, I will live according to my, मैं पाप अपराध गुनाहों में जिंदगी व्यतीत कर लूं, wrong things. लेकिन मेरा बेटा, but my son, वो तो सामुएल बन जाए। Samuel. मेरा बेटा वो मूसा बन जाए, मेरा बेटा याकूब बन जाए। कहाँ से बनेगा भाई? यदि बाप एक नंबर ही होगा, if the father is one, बेटा 10 नंबर ही होगा, then he'll become 10, which means क्योंकि जो कुछ भी whatever, जो कुछ भी whatever, बाप को करते हुए बेटा देखता वही चीज वो दोहराने लगता है। यहाँ यीशु कहता है, यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ भी पिता करते हुए मैं देखता हूँ
उन चीजों को धरती पर मैं करता हूँ। Whatever I saw my father doing in the heaven, I do it on the earth. कई बार माता पिता आकर मुझसे कहते हैं, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरी बेटी बात नहीं मानती, ओ हम क्या करें, हम तो पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, हम तो घूमने के लिए पार्कों में जाएंगे, लेकिन बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, हम तो दोस्तों के साथ बैठकर दारू पियेंगे, लेकिन बेटा तो पादरी बनना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मेरे अजीजू, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ पिता करते हुए देखता है पुत्र वही करता है। यानी कि आपके बच्चों के लिए कोई और व्यक्ति पहचान नहीं दे जाएगा। आप अपनी संतान के लिए आप ही हो जो आपको देखकर आपके बच्चे करेंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहता है, जो कुछ भी मेरा पिता करते हुए मैं देखता हूँ वो धरती पर करता हूँ। एक दिन मैं एक विश्वासी के घर पर गया। One day I went to a वे हमारे चर्च में आते थे। Well, they attend our church. और जब उसको मैंने फोन कर गया था। I actually called him and I went. और जब मैं उसके घर पे गया, and when I went to his उसका house, बेटा मोबाइल में एक गंदी पिक्चर देख रहा था। So his son was actually watching a bad movie in the वो mobile. गलत पिक्चर देख रहा था। He was watching something wrong. मेरी नजर उस पर पड़ी। So my sight went. 13-14 साल का लड़का था। He's about 14-15. मैंने उसे कहा, I said to him, अरे रवि, ये क्या कर रहा है तू? मैं तेरे पिता को बताऊं? Shall I complain to your father? ये क्या गंदी पिक्चर देख रहा है? बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। बेटा तुम एक परमेश्वर के सेवकाई के लिए चुने जाने वाले हो। You should pray, you should read Bible, you are about to be chosen for the ministry of God. तब तक तो कुछ नहीं बोला। Until that he didn't say anything. वो शांत रहा। He was quiet. मैंने बोला, दोबारा यदि ऐसे हरकत की ना, I said if you will repeat this again, मैं तेरे बाप को बता दूंगा। I'm gonna complain to your father. उस लड़के ने क्या बोला मालूम? You know what he replied? ये मोबाइल पापा का ही है। He said this mobile is my father's. पापा तो वहाँ बैठ के आंगन में देखते रहते हैं। My father keeps watching this. Hello. आप लोग इधर हो? Are you all over here? मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? बाप तो भूतनाथ है। The father is ghost. बच्चों को भगवान दास बनाना चाहता है। But he wants to make his children the angel. मेरे दोस्तों, my dear friends, आपसे और हमसे ही बच्चे सीखते हैं। From you and me, the children's जो आप कर रहे हो ना, whatever you doing, जो आप कर रहे हो ना, whatever you are doing, वही आपके बच्चों पर आने वाला है। The same your children's I'm going to get. इसलिए that is why. परमेश्वर के सामने ही नहीं साहब, in front of holy God, परमेश्वर के सामने ही नहीं साहब, in front of God, आपको बच्चों के सामने भी भयभक्ति का जीवन होना चाहिए। Also in front of God you need to have a spiritual life. मेरे पिताजी को आज भी मैं वो एक भक्ति वाले अच्छे व्यक्ति क्यों कहता हूँ? Today also why do I call my father as a good devotion person? मैं बचपन से मेरे पिताजी में देखा। For my childhood I saw. 3 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, वे अपने नहाना धोना, मंत्रों का जप करना, पूजा पाठ करना। He used to do his rituals and practices. वे बचपन से मैं देखता हुआ आया था। I saw him from the childhood. मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी ने ये मंत्र सिखाए थे, ये वेद सिखाए थे, वही आज मुझे भी याद है। That is why I say my father taught me this, my father taught me that. जो आप करते हुए देखेंगे बच्चे, You will do, वही चीज बच्चे बाजार में करना शुरू कर। That is what your children will copy in the market. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जो मेरा पिता करता है, What my father does, वही मैं जमीन पर करता हूँ। That is what I do on the earth. 30वां पद पढ़ेंगे। 30th तीसरे पद में कहता है, 5:30 5:30 we will read. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूँ वैसे ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा से करता हूँ। I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. मेरे अजीजों, my dear friends, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को देखो। Let us see the will of God. वो ये कहता है, he says, मैं अपनी इच्छा से नहीं, I not with my own अपनी ताकत से नहीं, will not with my मेरा भेजने वाला है, but the one who sent मुझे बनाने वाला है,
one who created मेरा स्वामी एक है, my master, मेरा परमेश्वर एक है, मैं उसकी इच्छा को पूरा करने आया हूँ। I came to fulfill his works, his desires. अभी मैं पिता के बारे में बता चुका हूँ, I told about the ये father. पुत्र के बारे में बता रहा हूँ, talking about the son. आगे जाकर पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। So in coming days we will learn about Holy Spirit. फिर ये तीनों कौन है वो बता पाऊंगा। And then I can teach you who is these three. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, Father, Son, and the Holy एक परमेश्वर तीन रूप। Now one God in three forms. मेरे अजीजों, my dear friends, हाँ यीशु कहता है, Jesus says, मेरे पिताजी, my father, मेरा परमेश्वर, my God, कौन है वो परमेश्वर? Who is our God? यदि हम लोग फिलिपियों की पुस्तक अध्याय दो को पढ़ते हैं, if we read Philippians chapter 2, वो ये कहता है वो परमेश्वर होने पर भी, he says, he being a God, वे परमेश्वरत्व को अपने वश में नहीं रखा, now he didn't kept the godliness under अपने him. सारे परमेश्वर यानी कि उसकी सामर्थ्य उसके वैभव को स्वर्ग में रखकर he kept all the glory, honor, power. उसका नाम वो पिता का देकर now he named it as the father. वो अपने आप को दीन नम्र कर धरती पर आकर and he made himself humble and meek and then he came वो इंसानों के रूप में होकर he became like human. वो इंसान बनकर he became human. और कहता है कि वो मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी पूरी कर देता है and said it is written he completes the crucifixion also. Hallelujah. वो क्या करता है बताइए? पिता की इच्छा को पूरा करता है। He fulfills the desire of his father. आप और हम किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? अपने पिता जो स्वर्ग में ईश्वर है उसकी our father is in heaven. जा जिसे हम अंधकार की शक्ति शैतान करते पाप कहते या पाप की इच्छा को पूरा करते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 में एक बात कहता है Romans 8, it says, पढ़ेंगे हम लोग रोमियो की किताब अध्याय 8 के वचन 2 के अंदर देखेंगे Romans 8, verse 2, we will read. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है For the law of the spirit of life in Jesus Christ has made me free from the law of sin and death. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर नहीं कर सकी उसी को परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की ही समानता और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own son in likeness of sinful flesh on account of sin, he condemned sin in the flesh. इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए For those who live according to the flesh set their minds on the things of flesh. पांचवे पद में कहता है शारीरिक मनुष्य यानी कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh but those who live according to the spirit they do according to the things of the spirit यहां दो प्रकार की बातें हैं There are two things शारीरिक व्यक्ति संसारिक व्यक्ति the worldly person शरीर की बातों पर on the flesh संसार की बातों पर on the worldly पाप की बातों पर on the sinning अपराध की बातों पर गुनाहों की बातों पर एक दूसरे को गिराने की बातों पर about dominating each other नीच की बातों पर वे मन लगाएंगे परंतु आत्मिक व्यक्ति ये परमेश्वर की बात है इसे स्वीकार करना चाहिए ये ईश्वर की बात है इसे अपनाना चाहिए मुझे परमेश्वर ने पाप से बचने के लिए गुनाहों से बचने के लिए निंदाओं से बचने के लिए मुझे बुलाया है मुझे उसके मार्ग पर रहना चाहिए मेरे दोस्तों छठवें पद में कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है पहली बात यीशु किस पर केंद्रित था On whom was Jesus किस पर यीशु मसीह आधारित था On whom was Jesus dependent? वो कहता मैं पिता की इच्छा को पूरी करने आया I came to fulfill the will of और जो my father. कुछ मैंने पिता में देखा है उसी सामर्थ्य से मैं करने आया हूँ तीसरी बात देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 17 का वचन 4 में
book of John chapter 17 verse 4 यहाँ आज 17 के 4 में कहता है 17:4 it says जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरी करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा को पूरा किया हूँ I have glorified you on the earth I have finished the work which you have given me to do मेरी बात समझ पा रहे हैं Are you getting my point प्रभु यीशु मसीह कहता है Jesus Christ says Father, आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा जिस काम के लिए मुझे भेजा था उस काम को मैंने कर दिया उस काम को मैंने कंप्लीट कर दिया हालेलुया पौलुस कहता है Paul says, मैं अब उस दौड़ में दौड़ चुका हूँ Now I've been running in that run और मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है And there is the crown of life अब मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है अब मैं मेरे अपने प्रभु के साथ में जा सकता हूँ इसलिए कई बार मैं कहता हूँ विश्वासी लोग मरते नहीं हैं विश्वासी लोग कभी नहीं मरते हैं वे सिर्फ प्रभु में विश्राम करते हैं वे विश्राम करते हैं यहाँ पर ये शारीरिक आंखें बंद हुई नहीं वहाँ स्वर्ग में आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है फिर ऑन दी अर्थ देयर आईज आर क्लोज्ड बट इन दी हेवन वे सिर्फ कुछ देर के लिए रहते हैं They are over here for just फिर वो ट्रांसफॉर्म उस परमेश्वर के साथ में रहते हैं But then they are living with God forever. इसलिए तो कहते हैं इसलिए तो कहते हैं पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे बाकी हम जो जिंदा है मैं कई बार कहता हूँ रोने मरने वालों के लिए रोने की जरूरत नहीं है कई बार मैं कहता हूँ आप प्रभु का धन्यवाद करिए संसार की यात्रा को खत्म करके वो परमेश्वर के साथ उस जन्नत में गया है इसलिए तो वो कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का वचन 14 में कहता है जो सो गए हैं वो परमेश्वर के साथ में हैं। Now those who are dead or sleeping, they are with God. वे अपने तमाम परिश्रम से विश्राम पा रहे हैं। Now they are getting the rest from all of their hard works. चांदनी से कम चादर तान ले चांदनी
देखता है sees, उसी चीज को करता है. same he copies. पहली बात, first thing, यीशु मसीहा Jesus Christ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया. he fulfilled the desire of दूसरी the बात the second thing, वे पिता की सामर्थ्य से किया. he did it with the spirit of God. तीसरी बात कहता है, the third thing it says, मैंने उसकी महिमा की है. I glorified him. जिस काम के लिए उसने मुझे बुलाया था उस काम को मैंने कम्प्लीट किया है. मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 24 में कहता है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24, प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहता है the one who endures until the end, वो जीवन का मुकुट पाता है. he gets the crown वो जीवन का मुकुट पाता he gets the crown तब तक until when? एक साल, one year, दो साल, two years, तीन साल, three years, चार साल, पांच साल, five years. मेरे जीजू, my dear friends, बहुत से सेवक लोग, there are many servants of God, जब सपोर्ट नहीं आती, when there is no support, मदद नहीं आती, when there is no help, सेवकाइयों को छोड़ देते, they stop their ministry, चले जाते हैं, उसमें सेवाएं बढ़ने के बजाय घटती जाती है. इसमें विश्वासियों की गलती है. so, there is the fault of believers, और कहीं ना कहीं सेवकों का समर्पण भी है. There is some there the sacrifice of the servants of God. मेरे गुरुजी एक बात कहते थे. My master used to say. मेरे प्रभु के दास जिन्होंने मुझे प्रभु में स्थिर किया उन्होंने एक बात कहते थे. My honorable master who made me firm in the present. प्रभु देगा तो खाना नहीं तो मर जाना. He says if God gives you eat or else you die. मेरी बात समझ पा रहे आप लोग? Are you getting my point? वो दे तो खा लेना. If he gives you eat. वरना मर जाना. Or you can die. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? पौलुस कहता है, Saint Paul says, जब तक गेहूं का दाना मर कर सड़ नहीं जाता उसमें से 100 गेहूं के दाने नहीं निकलते. Until the with the seed it is died or spoiled or ruined until that the crop doesn't grow. एक छोटी सी नौकरी करने के लिए भी हमें परीक्षाओं को देना पड़ता है. For one job, we have to give many tests. और हम तो स्वर्गीय परमेश्वर की नौकरी करने के लिए आए. And we are here to serve. इसमें दुख आएगा, परीक्षा आएंगी, निंदाएं आएंगी, समस्या आएंगी, पैसा नहीं होगा, गरीबी बढ़ेगी, किराए देना होगा, लोग कहेंगे, लेकिन इन सारी चीजों को अपने जीवन में सहना जिस दिन सीख लोगे उस दिन प्रभु की सेवकाई आप ढंग से कर पाओगे. When God has sent you, it means you will have much difficulties, troubles, problems, poverty, hunger, thirst, everything. But the day you will understand His will, on that day you will be doing His ministry, and we have to do it. यहाँ प्रभु का वचन कहता है. The word of God says. जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था. For the work which you gave me to do. उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है. I've completed it and I've glorified you on the earth. मेरे परमेश्वर के दास और दासियों, मेरे भाई और बहनों, my dear brothers and sisters, आप इस बात को सोचने की कोशिश करें कि आप भी परमेश्वर की महिमा इस धरती पर कर रहे हैं. Are you also serving God? उस परमेश्वर की आराधना इस धरती पर कर रहे हैं. Are you also worshiping God? उसके नाम की जय जयकार इस दुनिया में दिखा पा रहे हैं. Are you also showing His आप एक पहचान है मसीहत के लिए. You are the image of the Christ. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 15 में एक बात लिखी हुई है. यहाँ परमेश्वर के कलाम में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 15 में, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है. But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. प्रभु यीशु मसीह Jesus Christ धार्मिकता को पूरा करने के लिए धरती पर आया हुआ परमेश्वर है. He is the God who came to fulfill the righteousness जो कुछ भी परमेश्वर ने धार्मिकता बना दी है हमारे लिए. Whatever righteousness he made for us. जो कुछ भी नियम उसने बनाया है. Whatever rules he made. उसे पूरा करना ही हमारा कर्तव्य है. Our responsibility is to fulfill उसको those. पूरा करना ही हमारी जिम्मेदारी है. It is our responsibility to fulfill जो कुछ भी ईश्वर ने कहा है. Whatever God said. आपकी और मेरी जिम्मेदारी. It is yours and our responsibility. आपकी और मेरी जिम्मेदारी है. It is yours and our responsibility. मेरे दोस्तों, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना. To complete or fulfill the will of God. जिसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया. For what God has called you. उस कार्य को पूरा करना. To fulfill the work, to do the work. तभी तो हम उसकी धार्मिकता को पूरा कर सकते हैं. इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है. That is why the word of God says. प्रभु यीशु मसीह. Jesus.
ईश्वर की धार्मिकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। Is the God who does the fulfills the righteousness. यदि मैं एक बात कहूं तो If I say one thing, यहां पहली बात तो यीशु मसीह उसकी जीवन शैली क्या थी? What is the life of Jesus? वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। He did the will of God. वे परमेश्वर की सामर्थ्य से किया। He did it with the spirit of वे परमेश्वर की महिमा को किया। He glorified him. और परमेश्वर की धार्मिकता को उसने पूरा किया। प्रेरित की किताब अध्याय 10 के वचन 38 में एक बात कहता है। Book of Acts, chapter 10, verse 38. परमेश्वर के वचन में अध्याय 10 के वचन 38 में देखेंगे हम लोग। प्रेरित की किताब अध्याय 10 के वचन 38 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. प्रभु यीशु मसीह Jesus पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर filled with the Holy Spirit, वे उस सामर्थ्य से भरपूर होकर he being anointed with the Spirit, जितने शैतान के कुचले हुए लोग थे, those who are oppressed with जितने शैतान के सताए हुए लोग थे, those who are oppressed with जितने अंधकार में फंसे हुए लोग those who were stuck in the darkness, जितने पापों में फंसे हुए लोग थे, उन तमाम लोगों को यीशु मसीह चंगा करते हुए, उन्हें जीवन दान देते हुए, उन्हें सही करते हुए, एक पापी को परमेश्वर के साथ में रिश्ता जोड़ते हुए, भलाई करता हुआ आगे बढ़ा, भलाई करता हुआ, यानी कि पिता परमेश्वर जिस कार्य के लिए आपने मुझे भेजा है, उस कार्य से मैं पीछे नहीं हटूंगा, उस कार्य से मैं भागूंगा नहीं, उस कार्य से मैं पीछे नहीं हटूंगा, उस कार्य को मैं पूरा करूंगा, मैं हर एक भाई बंधु के पास में, इसलिए मत्ती की पुस्तक में कहता है, वे गांव गांव, वे गली गली, वे जंगलों में, शहरों में, जहाँ बीमार, लाचार, परेशान लोग थे, उनके पास जाता और उन्हें चंगा करता, उन्हें जीवन दान देता। एक कोढ़ी यीशु के पास में आया, उसे गांव से भागा रखा था, समाज से निकाल रखा था, यीशु को देखकर वो भी डरता हुआ दूर खड़ा होता है। प्रभु, he said, God, क्या आप मुझे भी ठीक कर सकते हैं? Will you also heal me? यीशु दया से भर जाता है। और क्या कहता मालूम है? And you know what he said? यीशु क्या कहता मालूम है? You know what he said? मेरी मर्जी चंगा हो जा, मेरी मर्जी वो चंगा हो जा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरने के बाद हर एक वो शैतान के सताए हुए लोग, हर वो व्यक्ति पाप में फंसा हुआ व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो गुनाहों में फंसा हुआ व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति जो संसार के नशे में फंसा हुआ है, उसको छुड़वाने, उसे आजाद करने, फिर से परमात्मा से मिलाने के लिए came to
वे आया हुआ परमेश्वर है। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में लूका रचित शुभ समाचार के पुस्तक अध्याय 22 के अंदर आएंगे हम लोग। लूका रचित शुभ समाचार के पुस्तक अध्याय 22 के वचन 32 में Gospel according to Luke, chapter 22, verse 32. क्या बात है, पढ़ेंगे, हालेलुया। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिर तो अपने भाइयों को स्थिर करने सके। मेरे अजीजो, my dear friends, यहाँ पत्रस के बारे में परमेश्वर कहता है, यानी कि यीशु कहता है। Here Jesus says about Peter. यीशु मसीह पत्रस से कहता है। Jesus says to Peter. मैंने दुआ की है पत्रस। I've prayed to Peter. मैंने दुआ की है तेरे लिए। I've prayed for you. कि तेरा विश्वास मजबूत हो जाए। That your faith be strong. तू स्थिर हो जाए। That you should not fail. तो किस चर्च में जाता है? Whatever church you go. किस कलीसिया में जाता है? किस देश में रहता है? किस समाज में रहता है? किस प्रदेश में रहता है? मुझे उससे कोई लेन-देन नहीं है। मैं चाहता हूँ तेरा विश्वास मुझ पर स्थिर हो जाए। Let your faith be on me without fail. मेरी इच्छा ये है, हर एक विश्वासी, चाहे वो कैथोलिक है, चाहे वो पेंटिकोस्टल है, चाहे वो मेथोडिस्ट है, चाहे सिल्वन पेंटिकोस्टल है, चाहे आयोजी का है, चाहे वो सेवन डे का है, जो कोई भी क्यों ना हो, उसका विश्वास प्रभु यीशु पर स्थिर हो जाए। उसका विश्वास यीशु पर लगा रहने पर, उसका विश्वास किसी पादरी के बातों पर नहीं, किसी प्रॉफिट की बातों पर नहीं, किसी बिशप की बातों पर नहीं, उसका विश्वास यीशु में स्थिर होना चाहिए। उसका विश्वास उसके कलीसिया में रहते हुए उस परमात्मा पर स्थिर होना चाहिए। मेरे दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूँ पत्रस, तेरा विश्वास मजबूत हो जाए। पढ़ेंगे हम लोग इसको, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि But I have prayed for you, तेरा विश्वास जाता ना रहे, that your faith should not fail, और जब तू फिरे तो But when you have अपने to भाइयों to को स्थिर कर सके। strengthen your brother. मेरे दोस्त, आप सुन पा रहे हैं, My dear friends, do you understand? आप देश विदेश में रहकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, you being in countries, you watch आज से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, It's my request to you. आप लोगों को स्थिर करिए, you strengthen each other. लोगों को मजबूत करिए, you make them strong. आप उनके अंदर दीवारों को मत पैदा करिए, मतभेदों को पैदा मत करिए, आप प्रभु में विश्वास में स्थिर होने के लिए कह दीजिए। You tell them to be strong in their faith in Jesus. प्रभु कहता है, Jesus says, तो भाइयों को स्थिर करे। You make your brother strong. आप और मुझे, you and me. चाहे वो बहन है, भाई है, बुजुर्ग है, बच्चे है, यूथ है, जवान है, वो गोरे है, काले है, पीले है, कैसे भी क्यों ना हो, यदि वो प्रभु में है तो उस जगह वो प्रभु में स्थिर हो जाए। Let them be brother, sister, rich, poor, anyone. If they are in God, let them be strong. Let them be firm in their faith. एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, One person said to me, सारी सेवा खुद ही कर लोगे, हर जगह आप ही नजर आओगे, आंध्र में जाते वहाँ नजर आते हो, यूपी में जाते आप पैदा नजर आते हो, हरियाणा में आप नजर आते हो, दिल्ली में आप नजर आते हो। मैंने उनसे कहा, मेरे दोस्त, घर घर में एक पादरी की जरूरत है, हर एक घर में एक अगुवे की जरूरत है, हर एक घर में एक परमेश्वर की आराधक की जरूरत है, हर एक घर में अपने लोगों को स्थिर करने वाले यहोशुआ की जरूरत है। जब अंत के दिन आ जाएंगे, परेशानियों के दिन आ जाएंगे, दुखों के दिन आ जाएंगे, वो इस बात को कह सके, तुम मेरे साथ चलो या ना चलो, आप मेरे साथ रहो या ना रहो, आप मेरी सपोर्ट करो या ना करो, मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, मैं और मेरा घराना मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, मेरे अजीजो, माय डियर फ्रेंड्स, लगभग 6 अरब से ज्यादा लोग हैं, 6 मिलियन पीपल, इन लोगों को कौन वचन सुनाएगा, कौन इन्हें स्थिर करेगा, कौन इन्हें लेकर आएगा? क्या आपके ऑकलैंड में कम लोग हैं? क्या आपके क्राइस्ट चर्च में कम लोग हैं? क्या आपके वेलिंगटन में कम लोग हैं? आपके सूबा में कम लोग हैं? आपके लोटोका में कम लोग हैं? आपके आंध्रा में, विजयवाड़ा में, इधर उधर कम लोग हैं क्या? करोड़ों लोग हैं,
millions of people. करोड़ों लोग हैं. Millions of people. उन्हें कौन बचाएगा? Who will save them? उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा. You need to prepare. उसे आपको सिद्ध होना पड़ेगा. That is why you need to. परमेश्वर के वचन से भरपूर होना पड़ेगा. जो मौका मिले, जो आपने सीखा, जो आपने पाया, मेरे भाइयों को स्थिर करते हुए जाओ. Need to go strengthening the कलीसियाओं को स्थिर करते हुए जाओ. कलीसियाओं को बनाते हुए जाओ. विश्वासियों को स्थिर करते हुए जाओ. आपकी और मेरी जिम्मेदारी. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे हम लोग उस पद को दोबारा से. यीशु कहता है, जब तू वापस फिरेगा भाइयों को तू स्थिर कर पाएगा. Then he said, I tell you, when I sent you with a अध्याय 10 का 22 का 32 के अंदर. But I have prayed for you that your faith should not fail, but when you have returned to me, strengthen your brethren. मेरे अजीजों, my dear friends, मेरे दोस्तों, my dear friends, आपकी जरूरत है. आपकी जरूरत. You are needed for आप them. अपना काम करते हैं. You do your work. अपने बिजनेस करते हैं. You do your business. अपनी मेहनत करते हैं. You do your hard work. लोगों को प्रभु में स्थिर करते हैं. Need to make people strong. कलीसियाओं को स्थिर करिए. Need to strengthen the churches. सेवकों के लिए तो उदाहरण का कार्य करिए. Need to become an example for the people. कलीसियाओं की स्थिर करिए. Need to strengthen the churches. आपको प्रभु के कार्य को करना है. You have to do the work of God. अब कोई विलियम कैरी नहीं आएगा. Now no William Carey is going to come. अब कोई साधु सुंदर सिंह नहीं आएगा. Nor any other saint is going to come. अब कोई और बिली ग्रहम नहीं आएगा. Nor any other Billy Graham is going to come. आप आ गए. Now you are here. अब यह आपका समय. Now it is your time. अब यह आपका समय. It is your time. अब आपको उस काम को करना. Now you need to do it. अपने मेहनत, अपने बिजनेस, अपने काम, अपने परिवार के साथ उस परमेश्वर की महिमा करना. With your work, with your business, with your own job, you gotta praise God. मेरे अजीजों, my dear friends, पढ़ेंगे एक शब्द को. परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना रचित शुभ समाचार के पुस्तक बुक ऑफ जॉन अध्याय 13 का वचन 1 में. चैप्टर 13 वर्स 1 पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में अध्याय 13 का वचन 1 में. यहाँ कहता है, फसे के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. जिस प्रकार से वो प्रेम करता हुआ आया, the way he kept loving them, वो वैसे ही प्रेम करता रहा. The same way he loved them until the end. यीशु को मालूम पड़ गया. When Jesus knew, अब मुझे क्रूस पर ले जाएंगे. Now they will take me to the cross. अब मुझे मारेंगे. Now they will kill me. अब मुझे जेल में डालेंगे. Now that will be kept. अब मेरे मुंह पे थूकेंगे. Now they will spit on my face. अब मेरी दाढ़ी को उखाड़ेंगे. Now they will आप मुझे कांटों का मुकुट डालेंगे. 39 कोड़े मारेंगे. मेरे शरीर के टुकड़े कर देंगे. मुझे घसीट कर लेकर जाएंगे. मुझे हजारों किलो का वो क्रूस मेरे कंधों पर डाल देंगे. यीशु को पता चल गया. यीशु को पता चल गया. पता होने के बाद भी वही प्रेम करने लगा. प्रेम में फर्क नहीं आया. प्रेम में फर्क नहीं आया. मेरे दोस्तों, my dear friends, आपका प्रेम, your love, आपका प्रेम, your love, आपका प्रेम, your love, ऐसा ही है. Is it the same? जब आपकी नौकरी चली जाए, when your job is no जब आपके पैसे खत्म हो जाए, no money, जब आपको बीमारी लग जाए, disease, तब भी कहेंगे हालेलुया प्रभु अच्छा है. Will you also say that moment, God, या ये कहोगे say, no. इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा. क्या दिया है प्रभु ने मुझे? What did God gave me? क्या दिया है प्रभु ने मुझे? What did he give me? Oh. समझ रहे मेरी बात को? Are you getting my phone? मेरे दोस्तों, यीशु को मालूम पड़ने के बाद Jesus, after he knew, वे अपने दुख को प्रकट नहीं किया. He didn't show his pain. वे वही प्रेम चेलों को दिखा. He gave the same अब मैं बताना चाहूँ, पहली बार वो First पिता की इच्छा को पूरा करने आए. He came to fulfill the will of his father. दूसरी बात, the second thing, वे पिता की सामर्थ्य से काम करता आया. He worked with his strength, तीसरी बात, power of God. The third वे पिता thing, की महिमा करते हुए आया. He glorified God. चौथी बात, the fourth वो पिता की धार्मिकता को पूरा करता आया. He came to fulfill the righteousness पांचवी बात, the sixth,
वे सामर्थ्य के और भलाई के काम करते हुए आया। छठवीं बात, उसका प्रेम, His love, उसका प्रेम, His love, वो छठवीं बात, वे लोगों को प्रभु में स्थिर करता हुआ, विश्वास में स्थिर करता हुआ। आखिरी बात, वे जो प्रेम उसने सिखाया था, उस प्रेम में लोगों को स्थिर करता हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु अपने पिता पर केंद्रित था। He was dependent on his father. वे अपने पिता पर दृष्टि, उसका सारा उदाहरण, जो मेरा पिता कर रहा है वो मुझे करना है, जो मेरा गुरु कर रहा है वो मुझे करना है, जो मेरा मास्टर सिखा रहा है वो मुझे करना है, जो मेरा पादरी कर रहा है वो मुझे करना है, जो मेरा चर्च कर रहा है वो मुझे करना है। उसने अपने लिए एग्जाम्पल परमेश्वर को रख लिया था। He was dependent on God. He did whatever his father did, whatever the church did, the believers, the same thing, whatever his father did. He did it on the earth. He showed the same love to the people until the end. मेरे अजीजों, आप भी प्रभु की ओर देखें। You also look at God. इंसानों की तरफ मत देखो। Not to the people. मेरी तरफ देखोगे। If you look at किसी और की तरफ देखोगे। If you look at somebody else. हो सकता हमने गलतियां नजर आए। Maybe you'll find. हो सकता हमने कुछ अच्छा ही नजर आए। Maybe you'll get something good. हो सकता कुछ गलत काम नजर आ जाए। Maybe you'll feel something bad. इंसान है ना। But because they are human. इंसान है ना। They are human. देख जाएंगे। You may see. इंसानों को देखने के बजाय जब हम ईश्वर को देखते हैं, जब परमेश्वर को देखते हैं, आपकी दृष्टिकोण यीशु मसीह हो जाना चाहिए, यीशु हो जाना चाहिए, और यीशु को अपना उदाहरण बनाइए। आंखें बंद करेंगे हम, प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे हम लोग, प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु। जिस प्रकार से यीशु आपने पिता के अनुसार, पिता की बात के अनुसार किया, वैसे ही हम करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह, भारतवर्ष में जो 100,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, प्रभु 100,000 पार कर चुके हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर, आप दया करें, बस you be merciful. तेरी दया ही हमें जरूरत है। Your mercy is what we need. महाराष्ट्र को बचाइए प्रभु, गुजरात को बचाइए प्रभु, दिल्ली को बचाइए परमेश्वर, राजस्थान को बचाइए प्रभु, उत्तर प्रदेश को बचाइए प्रभु, मेरे पूरे भारत वर्ष को बचाइए मेरे परमेश्वर, इस महामारी से बचाइए प्रभु, अमेरिका को बचाइए प्रभु, स्पेन को बचाइए प्रभु, लंदन को बचाइए परमेश्वर, कनाडा को बचाइए प्रभु, न्यूजीलैंड को प्रभु, फिजी को प्रभु, दुबई को परमेश्वर, ओ सिंगापुर, मलेशिया के लिए परमेश्वर, पाकिस्तान के लिए प्रभु परमेश्वर, श्रीलंका के लिए, भूटान के लिए प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं नेपाल के लिए परमेश्वर प्रभु, हर एक यूरोपियन और एशियन कंट्रीज के लिए परमेश्वर, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस पूरे विश्व की आप रक्षा करें प्रभु। Father, we pray for all these countries. We pray you protect the entire world, nation. प्रभु आप रक्षा करें। Father, you मानव जाति को बचाए परमेश्वर। इस भूमंडल को बचाइए परमेश्वर। इस महामारी से बचाइए परमेश्वर। और इससे भी बड़ी बड़ी जो वायरस आने वाले, इससे बड़ी बड़ी समस्या और आने वाली है, ताइम से हमें बचाइए। जो बंगाल की खाड़ी में प्रभु जो तूफान आ रहा है, प्रभु उस तूफान से परमेश्वर बंगाल के परमेश्वर किनारे के लोगों को बचाना पड़े। ताजी आप सहायता करें, प्रभु आप रहम करें, तेरे लोगों की मदद कर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, MLA, MP, काउंसिलों पर तेरी दया हो परमेश्वर, परमेश्वर पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों पर तेरी दया हो, mercy on every country's prime ministers and chief ministers. पिता आपका धन्यवाद करते हैं। Father, we thank you. आपकी आशीष और आपकी कृपा को दीजिए। For your blessings and your mercy. जितने लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबके जीवन में तू अद्भुत काम कर, you do miraculous things in their lives. आश्चर्य कार्य कर, you do the great things, इनकी हर जरूरत को पूरी कर परमेश्वर, you fulfill every needs of them. कोई बीमार है तो if there is यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए, in the name of Jesus, कोई समस्या में है तो if there is somebody वो यीशु के नाम से आजाद हो जाए, कोई कर्जे में है तो यीशु के नाम से वो बाहर आ जाए,
प्रभु प्रार्थना करते हैं यदि कोई शैतान के परमेश्वर पिता आदतों में फंसा हुआ है यीशु के नाम से बाहर निकला पिताजी तू सहायता वो आप सहायता कर रात को 10 बजे के प्रोग्राम में हम सब के साथ आ सबके साथ आए यीशु के नाम से प्रार्थना कर आमीन आमीन थैंक यू दोस्तों परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करे Thank you, friends. God bless you and your families. और हम लोग रात को 10 बजे फिर मिलेंगे. And night session we'll meet again. परमेश्वर की महिमा के लिए. For the praise of God. तब तक के लिए हम लोग विश्राम लेते हैं. Let us all take rest. और लेकिन आप सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है. All of you आप हमारे लिए प्रार्थना करें. You pray for us. प्रभु की इच्छा को हम भी पूरा करने वाले बन सके. Need to become the one who fulfills the desire. हम और मेरे बच्चे सब मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं. Me and my children keep praying for you. आप भी हमारे लिए दुआ करें. You also keep praying. सभी को जय मसीह की Thank you. Praise the Lord.